दिल्ली से जहां सोशल प्राइड वेलफेयर सोसाइटी की मुहिम से 7 दिन तक मुफ्त स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से 2480 लोगों का मुफ्त इलाज हुआ। 26 फरवरी को शुरू हुए इस मुफ्त हेल्थ कैंप का आखिरी दिन था। सोशल प्राइड ने आदल आजमी और डॉक्टर कमान के नेतृत्व में मुफ्त स्वास्थ्य शिविर लगाए। आदल आजमी ने बताया कि जल्द ही इसके अगले चरण की शुरुआत होगी और इस बार 14 दिन में 14 अलग अलग बीमारियों के 28 अलग अलग जगह मुफ्त कैंप लगाए जाएंगे। आपको बता दें कि ये कैंप 26 फरवरी से 5 मार्च तक दिल्ली में अलग अलग जगहों पर लगाए गए थे। नाम आदिल आजमी है, मैं सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ, सोशल प्राइड वेलफेयर सोसाइटी। पिछले हफ्ते से हमने ये कैंप्स की चेन शुरू करी थी। जसोला विहार में पहला कैंप हमने लगाया था और 7 दिनों में हमने मुख्तलिफ अलग अलग इलाकों में ओखला के कैंप लगा चुके हैं अब तक, जिसमें ओखला विहार है, हाजी कॉलोनी है, ऐसे करते हुए आज हमारा 7वां कैंप है। तैमूर नगर बस्ती एरिया है, आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पे बहुत मुश्किल है चीज़ों को लोगों तक पहुंचा पाना, स्वास्थ्य सुविधाएं मिलना बड़ा मुश्किल है यहाँ के लोगों को। तो हमारे कार्यकर्ता यहाँ पे हैं जो काम करते हैं, उन्होंने हमें बताया कि कैसी टफ सिचुएशन है यहाँ पे। उसके बेसिस पर हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ पे एक अपना हेल्थ कैंप लगाएंगे और आज हमारे वॉलंटियर्स ने सबने मिल करके एक अच्छा हेल्थ कैंप यहाँ पे आयोजित किया है। आप देख रहे हैं कि बहुत सारी तादाद में महिलाएं और बुजुर्ग यहाँ पे इसका फायदा उठा रहे हैं। लोग अपनी परेशानियाँ दिक्कतें बता रहे हैं कि किस तरह से उनको दिक्कत आ रही है। मुफ्त दवाएं मिलने से एटलीस्ट उनको कम से कम जो 200-250-300 रुपए बचते हैं वो बच रहे हैं। तो पूरे जो हमारा मकसद है सोसाइटी का कि लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं जिस हद तक भी हम पहुंचा सकते हैं वो पहुंचाई जाए, बेसिक उपचार जो पहुंचाया जा सकता है उन तक पहुंचाया जाए। तो आज हम उसी संदर्भ में तैमूर नगर में हमने कैंप लगाया है।